नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Amazon पे कैसे बनाते हैं, कैसे अपने बैंक अकाउंट को Amazon पे से लिंक करते हैं। तो दोस्तों Amazon ऐप्स में Amazon पे बनाने के लिए ओपन करते हैं अपने Amazon ऐप्स को। दोस्तों अगर आप अभी तक अपने Amazon ऐप्स में अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि कैसे अमेजन में अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अमेजन में अमेजन पे बनाने के लिए यहाँ पे इस तीन लाइन पे क्लिक करते हैं। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अमेजन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों अमेजन पे में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, अमेजन यूपीआई क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अमेजन पे यूपीआई, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप पहली बार अमेजन पे बना रहे हैं, इससे पहले आप कभी भी अमेजन पे नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑफर चल रहा है अभी, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिखला रहा है पे यूजिंग अमेजन पे यूपीआई ऑन अमेजन एंड गिफ्ट प्लस 50 कैशबैक। अगर आप पहली बार अमेजन पे अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं और अकाउंट क्रिएट कर देने के बाद अपने फ्रेंड या फैमिली में यूपीआई के थ्रू 50 रुपये या फिर उससे अधिक की राशि सेंड करेंगे तो आपको 50 रुपये की कैशबैक मिलेंगे। तो अमेजन पे बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोसीड। अब यहाँ पे आपके फोन में अगर दो सिम लगा होगा तो यहाँ पे दो दिखलाएगा, अगर एक लगा होगा तो यहाँ पे एक दिखलाएगा। जिस सिम से आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे वो सिम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में एयरटेल का नंबर मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो इसलिए मैं एयरटेल को सिलेक्ट किया हूँ। आपके केस में ये अलग हो सकता है तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड। अब यहाँ से आपकी मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई करता है और आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS सेंड करता है। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये SMS नहीं जाता है या फिर आपके मोबाइल नंबर में बैलेंस नहीं होगा तब भी ये मैसेज नहीं जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पे बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले 10 रुपये का रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि ये SMS सेंड होने का 1.5 रुपये यहाँ पे कॉस्ट लगता है। ये SMS नहीं जा रहा है तो आपको क्लिक करना होगा रिसेंट SMS। अब यहाँ से आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाती है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैंक है, मेरे केस में मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अब यहाँ से आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाती है। अब यहाँ पे आप जिस बैंक को सिलेक्ट करते हैं उस बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है, उसे ये आपका अकाउंट फाइंड कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट है, अगर ये गलत है तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा चूज एनोदर बैंक अकाउंट और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप UPI पिन नहीं क्रिएट किए हैं, जैसे आप फोन पे या फिर गूगल पे कभी नहीं बनाए हैं, तो आपको यहाँ पे UPI पिन क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास UPI पिन है, आप फोन पे या फिर गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको UPI पिन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार अमेजन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को UPI पिन बनाना होगा। तो UPI पिन बनाने के लिए, UPI पिन सेट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा क्लिक हियर पे। क्लिक हियर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ATM का लास्ट का 6 डिजिट डालना होगा। आप अपने ATM के आगे देख लीजिएगा, 16 अंक का एक नंबर होता है, उसमें सबसे लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ से आप अपने ATM का एक्सपायरी डेट सेट कर लीजिएगा कि आपका ATM कब तक वैलिड है। यहाँ पे मंथ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ पे क्लिक करके, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ईयर कि आपका ATM कब एक्सपायर हो रहा है। इतना कर लेने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना होगा सेट योर UPI पिन। अब यहां पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OPT जाता है, ये OPT ऑटो यहां पे फिलअप हो जाता है और उसके बाद यहां पे अपना UPI पिन डालना होता है, नया पिन यहां पे आपको डालना होता है। तो मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आ चुका है और ये OPT को यहां पे हमें डालना है।
और इसके बाद यहाँ पे नया पिन डालना है और ये पिन को आप याद कर लीजिएगा, फ्यूचर में आप जब भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा आपको वो पिन को जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना उस ओपीटी को फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपीटी फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपना नया यूपीआई पिन डालना है, अपने अनुसार से आप नया कोई यूपीआई पिन बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना पिन को डाल रहा हूँ। यहाँ पे नया पिन डाल देने के बाद हम क्लिक करते हैं इस टिक मार्क पे। अब इसके बाद यहाँ से आपको फिर से वही पिन डालना होगा जो अभी आप इंटर किए हैं। कन्फर्म करने के लिए आपको वही पिन फिर से यहाँ पर डालना होगा, तो मैं यहाँ पे वही पिन यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ। अब आपको क्लिक करना होगा इस टिक मार्क पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से आपकी गूगल पे अकाउंट बनके कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अमेजन पे का यूपीआई आईडी मिल चुका है। दोस्तों अमेजन पे का यूपीआई आईडी डिफॉल्ट रूप से हमारा मोबाइल नंबर और उसके बाद @APL होता है। अगर आप इसे बदलना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। यहाँ पे आपको अपना नया यूपीआई आईडी बनाने के लिए अपना नेम उसके बाद @APL डालना होगा। अगर ये मैच कर रहा है तो आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट यूपीआई आईडी। मोबाइल नंबर दोस्तों सभी लोगों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने नेम के यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, किसी को मनी सेंड कर सकते हैं, या फिर अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताया था जिसमें आपको 50 रुपये के कैशबैक मिलने थे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेंड मनी पे और अपने दोस्त का यूपीआई आईडी डालिएगा या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का यूपीआई आईडी डालिएगा और उसके बाद 50 या फिर 100 रुपये उन पर सेंड कीजिएगा, तो आपको 50 रुपये की कैशबैक मिल जाएंगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि अमेजन पे कैसे बनाते हैं, अमेजन का यूपीआई पिन कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।